23 वर्षीय साक्षी मलिक फ्रीस्टाइल महिला पहलवान ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। उन्होंने किर्गिस्तान की पहलवान को हराते हुए यह कांस्य पदक अपने नाम किया। पीवी सिंधु ने अपने से अधिक रैंकिंग के खिलाड़ियों को हराकर विश्व में नंबर 6 जापानी खिलाड़ी नोजोमी ने फाइनल में जगह बनाकर अपने लिए रजत पदक पक्का किया, लेकिन फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन उन पर भारी पड़ी। सिंधु ने पहले गेम में जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद अगले दोनों गेम गवा बैठी। इस हार के साथ सिंधु ने रजत पदक के साथ भारत का गौरव बढ़ाया। देश के पिछले 52 साल के इतिहास में दीपा कर्माकर भारत की पहली महिला जिम्नास्ट हैं, जिन्होंने न केवल ओपन जिम्नास्ट प्रतियोगिता में भाग लिया वरन चौथे स्थान पर भी रही। महिला गोल्फ स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी अदिति अशोक 41वां स्थान हासिल कर सकी। की इन बेटियों को जितना भी सलाम करें उतना ही कम है। भारत की इन बेटियों ने बता दिया कि बेटी किसी से कम नहीं, और जिस तरीके से इन बच्चियों ने, इन बेटियों ने भारत का मान सम्मान यश कीर्ति इस देश ही और में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ाई है, उसके लिए ये साधुवाद की पात्र हैं। भारत इनको वंदन करता है, इनका सलाम करता है। भारत की इन बेटियों को आप भी सलाम करें।